पंजाब अते चंडीगढ़ नूं लैके मौसम विभाग दे वल्लों अलर्ट जारी किया गया। दस्सिए कि पंजाब अते चंडीगढ़ दे विच आउण वाले दो तो तीन दिनां दे विच गर्मी दे विच होर ज्यादा वाधा होवेगा। दस्सिए कि पंजाब दे विच जिहड़ा कि तापमान है वह 47 डिग्री तक हो सकता है। चंडीगढ़ की अगर गल करिए तो चंडीगढ़ दे विच तापमान है जिहड़ा कि 40 डिग्री तक जा सकता है। सो बेहद गर्मी पैण वाली है आने वाले दिनों दे विच, जिवें कि मौसम विभाग दे वल्लों अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां हैं, लेकिन गर्मी का कहर भी शुरू हो चुका है और ये गर्मी का ये कहर सुनसान करने लगा है सड़कों को, खेल के मैदानों को, पार्कों को और उन तमाम जगहों को जहां पर लोग अधिकतर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दो तीन दिन में ही गर्मी का कहर और भी शिखर पर पहुंच जाएगा। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र में पारा जो है वो 44 डिग्री को भी क्रॉस कर सकता है और पंजाब और हरियाणा में कई जगह जो तापमान है वो 47 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, यानी कि आने वाले कुछ दिन काफी ज्यादा मुसीबतों भरे होंगे और इसी वजह से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है और कहा है कि यदि काम ना हो तो दोपहर को 11 बजे से लेकर बाद दोपहर 4 बजे तक बिना काम के घर से ना निकलें और खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को बचाकर रखें। कुछ लोग मेरे साथ हैं इस वक्त, गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं अब शिखर पर जा रही है। कितनी मुसीबतें बढ़ रही हैं मैम? ऐसे है, गर्मी जो है टेम्परेचर काफी हाई जा रहा है और मेरे ख्याल से घर में विदाउट एनी इमरजेंसी घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम तो बिल्कुल घर से बाहर जाते नहीं है और गर्मी को कूल करने के लिए दिन में तरबूज, वाटरमेलन, लस्सी, इस तरह की चीजें जो है हम लेते हैं और आराम से घर में चिल करते हैं। एसी और वाटर कूलर भी फेल हो जाते हैं गर्मी के आगे? AC और वाटर कूलर सो फार एज आई एम कंसर्न्ड आई डोंट प्रेफर टू बी इन AC बिकॉज AC के बाद जब दूसरे कमरे में जाते हैं तो वो जो हीट वेव्स हैं वो आपको बहुत प्रिक करती हैं। तो सिंपली फैन इज ओके इनसाइड इन अवर फ्लैट्स, फैन के अंदर ठीक रहता है, दो नंबर पे फैन चलाओ और गर्मी अंदर इतनी गर्मी नहीं है, बाहर बहुत है गर्मी। आप लोग जिस तरह से काम करते हैं कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि गर्मी अब ज्यादा और भी बढ़ने लगी? दिक्कत तो काफी आती है जी, धूप में इतनी दिक्कत आती है कि थोड़ी देर के बाद छांव में बैठना पड़ता है। ऊपर तो बहुत ज्यादा हर थोड़ी देर बाद ऊपर तो बहुत ज्यादा धूप पड़ती है। सुबह चार मतलब सुबह 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक पूरा पसीने से सारे कपड़े गीले हो जाते हैं हमारे, और पानी भी रखे तो 5 मिनट के अंदर गर्म हो जाता है, जितना मर्जी ठंडा पानी ले आए। सड़कें भी सुनी हो गई हैं क्योंकि सड़कों पे भी आवाजाही जो है वो दोपहर को नहीं देखने को मिलती। कितनी गर्मी है? गर्मी बहुत ज्यादा है इस टाइम, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इस टाइम। तो सेहत पे भी लगता है कि फर्क पड़ता है? सर में दर्द हो जाता है कि भाई गर्मी कारण। तो फिलहाल अभी शुरुआत है लेकिन कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है और मौसम विभाग यही चेतावनी दे रहा है कि पिक्चर इससे पहले कि अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच कर आपकी तबीयत खराब करे, आप जो सावधानियां बताई जा रही हैं उन सावधानियों को जरूर फॉलो करें। कैमरामैन अमित के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़।